नमस्कार जोहार, मैं सौरभ राय आप सभी का स्वागत करता हूँ ऐसे में जिंदा। आज प्रखर राष्ट्रवादी नेता और भारतीय जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन के अवसर पर मैं अभी मौजूद हूँ भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश कार्यालय। आज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। मौजूद है भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष आरती की। मैम आपका स्वागत है। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्मदिन के अवसर पर अभी युवाओं को क्या संदेश? आज भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक और पहले राष्ट्रभक्त हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्मदिन है और इस जन्मदिन के अवसर पर पूरा राष्ट्र उनको नमन कर रहा है, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। और इस मौके पर मैं यही कहना चाहूँगी कि जो राष्ट्रभक्ति का जज्बा उन्होंने जगाया था युवाओं में, आज भी वो प्रासंगिक है और आज भी हमें राष्ट्र के लिए समर्पित होना है। जिस प्रकार उन्होंने जब कश्मीर में अलग विधान अलग निशान था तो उन्होंने कहा जब राष्ट्र एक निशान एक विधान होनी चाहिए, ये मांग रखी थी और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके सपनों को साकार करते हुए वर्तमान में एक देश एक विधान एक निशान का उनका सपना पूरा किया। और आज जो राष्ट्रभक्ति की भावना है हम सारे लोगों में होनी चाहिए। हमारे सैनिक जिस हिसाब से बॉर्डर में अपना देश की रक्षा कर रहे हैं, तो बॉर्डर में सभी तो नहीं लेकिन हम समाज के अंदर जो अंतिम पायदान जो इनका एक सपना भी था कि अंत्योदय की जो सोच उनकी थी, जो सपना था समाज के अंतिम व्यक्ति जरूरतमंद व्यक्ति तक उनका जो विकास का काम है, उनकी जरूरत की जो बातें हैं वहाँ तक पहुँच सके। और वर्तमान में मोदी जी की सरकार ने चाहे वो महिलाओं के की बात करें तो महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत सोचा, उनकी तकलीफों को सोचा, चाहे उज्ज्वला योजना हो, स्वास्थ्य योजना हो या शौचालय की बात हम कर दें, तो इन तमाम चीज़ों को करते हो अंतिम व्यक्ति समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं को पहुँचाने का काम करते हो। हम इस काम के माध्यम से भी राष्ट्रभक्ति की भावना हम पेश कर सकते हैं। तो हमें कोई भी काम छोटा बड़ा ये नहीं सोचते जो उनके समाज के बेहतर के लिए जो काम हो हमें करना चाहिए। आज उनके जीवनी से हमें ये सीख लेनी चाहिए और सारे युवाओं को ही नहीं पूरे देशवासियों को लेनी चाहिए। आर्टिकल 370 को लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शुरू से ही सपना का ये घटना चाहिए जो कि मोदी जी के कार्यकाल में जुड़ा हुआ, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कश्मीर के सारे नेता या फिर कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि 370 वापस लाना चाहिए, ये कश्मीर इज्जत की बात है। इस पर मैम आप क्या कहते हैं? एक तो हम ये कहेंगे कि वो किस इज्जत की बात कर रहे हैं, क्या वहाँ हमारे माँ बहनों की इज्जत चली जाती थी, उनकी हत्या पूरी ढंग से हत्या कर दी जाती थी, क्या अभी भी जबरन उनका जो धर्म परिवर्तन कराया जाता है, यही इज्जत सवाल है। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जब हम सारे लोग कहते हैं कि भारत एक है, कश्मीर से कन्याकुमारी से कन्याकुमारी तक और असम से लेकर गुजरात कच्छ तक जो हमारा देश एक है, तो फिर अलग करने का क्या मतलब है? अलग इसलिए वो करना चाह रहे हैं कि इसी बहाने लोग वहाँ के युवाओं को बरगला के वहाँ की में ओछी राजनीति करते थे और ओछी राजनीति करके वो अपना राजनीतिक अस्तित्व की तलाश में धारा।